युवराज भाई कहाँ गए? आए थे अभी यहाँ पे, आ जाइए, हाँ जी कमेटी मेंबर्स, वहाँ क्यों रुके हैं आप लोग?
तरफ मोड़ दिया है सिंगल के लिए। और एक अच्छी गेंद तेज गांधे की, डॉट बॉल पर सीमित रखा। इसके साथ तीन ओवर पूरे, स्कोर है 29, थ्री ओवर्स 29 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट बेबेवाड़ी। इस गेंद को अच्छी तरह से देखा, रुके वो गेंद को अपनी तरफ आने के लिए, घूम गए, घूम के पीछे की तरफ दे दिया थर्ड मैन की तरफ, चार रन। इस गेंद को अच्छी तरह से देखा, रुके वो गेंद को अपनी तरफ आने के लिए। और एक बढ़िया शॉट, लेकिन इस समय फील्डर को ढूंढ के निकाला है नीलेश ने। ओवर पिच डिलीवरी थी, उसे स्विच हिट लगाया ऑफ साइड की बाउंड्री पर, स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन इस बार पॉइंट के ऊपर से नहीं मार पाए, एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ मार दिया थोड़ा सा, तो फील्डर मौजूद था वहां पे, एक रन। और ये वाइड बॉल अच्छी गेंद, कुछ ट्राई करना चाहते थे नीलेश, वहाँ बॉलर ने पहले ही देख लिया और बॉल उनकी रीच से थोड़ी दूर रखी, तो लास्ट मोमेंट पे जो है उन्हें अपना शॉट चेंज करना पड़ा। नंदनलेस सिंगल, आकाश शाह बैक ऑन स्ट्राइक। स्वाइप्ड अक्रॉस टू द लेग साइड, एन ओवर पिच डिलीवरी ऑन द ऑफ साइड, स्वाइप्ड टू द डीप मिड विकेट रीजन फॉर अ सिंगल। एक वाइल्ड स्वाइप था ये। चार ओवर के बाद स्कोर है 41 रन्स फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट।
बॉल हवा में कैच का मौका था लेकिन अच्छे से जज नहीं किया उसे, थोड़े अच्छे से जज करते तो शायद और एक विकेट ले सकते थे तेज गांधी। गेंदबाजी बढ़िया कर रहे हैं, हाथ खोलने का मौका मिला आकाश को। कैच का मौका था लेकिन अच्छे से जज नहीं किया उसे। ये बड़ा शॉट, इस बार बाउंड्री रोप्स क्लियर करने में बिल्कुल कामयाब होंगे आकाश शाह, पार्किंग लॉट में पहुंचा दिए इस गेंद को। और एक शॉट घूमकर लगा दिया है आकाश शाह ने, इस बार फाइन लेग की तरफ नेट्स के पास। ये बॉल हवा में कैच होना चाहिए, लग नहीं रहा था कि फील्डर वो कैच को लेंगे करके। एक थोड़ा सा जो फील्डर की बॉडी लैंग्वेज है उससे समझ में आ जाता है कि वो कैच लेने के लिए कितने तैयार है, नजर आ रहा था वो शायद से जो है जज नहीं कर पा रहे बॉल किस तरफ जा रही है, और वही हुआ, बॉल उनके सर के ऊपर से निकल गई 4 रनों के लिए। ये जोखिम भरा शॉट लेकिन सारे रिस्क इस समय लेना चाहते हैं आकाश। पर तारीफ करनी होगी इस युवा गेंदबाज की तेज गांधी, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए, विकेट भी प्राप्त किया है, दूसरा विकेट भी ले सकते थे, तीसरा विकेट भी ले सकते थे, 2 कैच के मौके बने थे इस ओवर में। एक मौका था लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक मौका था डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, इस बार अपनी लेंथ को छोटा किया, बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी, टेनिस बॉल है, बॉल ज्यादा उछली, टप्पा खाकर उनके पेट के जरा ऊपर से निकली। इसी के साथ 5 ओवर पूरे, स्कोर है 62 runs फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, और अंपायर का बैटिंग पावर प्ले का इशारा। जी हाँ, और इस समय मैं डगआउट में मौजूद हूँ, बिबेवाड़ी के सपोर्टर्स के बीच मौजूद हूँ, और मेरे साथ मौजूद है बिबेवाड़ी के फाउंडर प्रेसिडेंट प्रवीण चोपड़ा जी, और बिबेवाड़ी होम टीम के मेंबर, हमारे कमेटी मेंबर दिलीप जी चोरबोले। सर आप दोनों का स्वागत है, और साथ ही साथ उनके साथ बिबेवाड़ी की प्रेसिडेंट भी मौजूद है अनिता जी चोपड़ा। सर बिबेवाड़ी की टीम 2 मैच जीत चुकी है, खुशी तो आपके चेहरे पे मुझे नजर आ ही रही है, आपकी टीम के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, सही है, बीपीवाड़ी की टीम बहुत अच्छी और बैलेंस्ड है, और दोनों मैच बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जीते हैं,
और सही में मैं सभी प्लेयर का बहुत 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 अभिनंदन करूंगा, क्योंकि प्रॉपर प्लान के साथ खेल रहे और वही काम आ रहा है। स्ट्रैटेजी अगर रहेगी तो कुछ ना कुछ अपन पॉजिटिवली मैच में जा सकते हैं, और वही दिख रहा है आज के भी मैच में। बाकी भी बैट्समैन को मौका दिया गया है जो कि अभी थोड़ा सेफ जोन में बीबीवाड़ी आ चुकी है। यस जी हाँ, जैसा कि आप कह रहे थे, बाकी भी लोगों को मौका दिया है। आपकी बात सुनते ही नीलेश ने सोचा कि दूसरों को मौका दिया जाए, और वो आउट होकर जा रहे हैं पवेलियन, और नए बल्लेबाज आएंगे अपना हाथ आजमाने के लिए। और सर, नीलेश की मैं बात कहूंगा, बहुत ही अच्छी तरह से टीम को संभाल कर रखा है और बहुत अच्छी तरह से लीड कर रहे हैं अपनी टीम को। थोड़ा सेफ जोन में नीलेश कैप्टन की जिम्मेदारी पूरी बखूबी निभा रहा है, और सभी प्लेयर के कब बॉलिंग किसी को करवानी है, बैटिंग के बारे में, और प्रॉपर अगर सब पूरी टीम में अगर पूरी टीम को साथ में लेकर चल रहे हैं, और अच्छा इफेक्ट भी दिख रहा है उसका। जी हाँ, इसी तरह से एक अच्छा और इम्पैक्टफुल शॉट खेला है आते ही पहली गेंद पर नए बल्लेबाज ने। भुवनेश शाह है नए बल्लेबाज, और आते ही उन्होंने क्या कड़ाके की ड्राइव लगाई है मिड ऑफ और कवर्स के बीच में से। और एक बढ़िया ड्राइव इस बार, लेकिन बॉल जो है फील्डर के हाथों में गई। ड्राइव तो बहुत अच्छा लगा रहा है भुवनेश। हल्की सी मिस फील्ड, लेकिन बॉल जो है फिर से ड्राइव किया गया है अच्छी तरह से मिड ऑफ की तरफ, और एक सिंगल प्राप्त किया। जी बीबीआरडी का एक खासियत है कि पिछले 5 साल से नीलेश बहुत ही बढ़िया कैप्टनशिप कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में ये टीम आज बहुत ही उभर के आई हुई है। पहले एक दो में, आज के तारीख में वो हमारी बीबीआरडी टीम हो गई है। तो आगम और बीबीआरडी ये अभी बहुत ही टॉप लेवल पे, उसके साथ साथ में काफ़ी टीम है, मगर एक बढ़िया टीम का नाम अगर लिया जाता है तो उसके अंदर बीबीआरडी की टीम का नाम लिया जाता है। आज बीबीआरडी के जो प्रेसिडेंट है हमारी अनीता भाभी, खुद जात से हमेशा रोज हर एक मैच में यहाँ पे आती है और सभी प्लेयर को चेयर अप करती है। तो हमारे प्रवीण भाऊ और अनीता भाभी हर रोज उनके बीबीआरडी के मैच में आकर सभी प्लेयर को चेयर अप करते हुए सभी का हौसला नवाजी करते हैं। तो ऐसे हमारे अनीता भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके नेतृत्व में आज बीबीआरडी ग्रुप बहुत ही ऊंचाई के ऊपर जा रहा है। और इसी बीच हमारे आईडी बीरेन भाई का बहुत बहुत स्वागत है मैदान पर। 6 ओवर के बाद 70 रन बने हैं बीबीआरडी के, 6 ओवर 70 पे 2। जी दिलीप जी, जो आप बात कर रहे थे, पहले हम नीलेश की बात कर रहे थे कि अच्छे नेतृत्व में उन्होंने इस टीम को आगे लेकर गए हैं, उसी तरह से इस साल जो है इस ग्रुप का जो नेतृत्व कर रही है प्रेसिडेंट अनीता जी, नेतृत्व जो आपने कहा कैप्टनसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लीडरशिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आज यहाँ बैठकर अपनी टीम को सपोर्ट कर रही है अनीता जी, तो उनका भी एक बहुत अच्छा एक योगदान रहा है इस टीम को सपोर्ट करने में। जब भी कोई टीम खेल रही है ना, तो उनको अंदर से भी अच्छा लगता है कि बाहर सपोर्ट करने हमारे लीडर्स बैठे हुए हमारा गेम देख रहे हैं। तो अनीता जी, आप यहाँ पधारे, हमें भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि बीबीआरडी की टीम भी आपके प्रेजेंस से बहुत खुश होगी। एक्चुअली बीबीआरडी की पूरी टीम बहुत ही अच्छा खेल रही है, मतलब मैं ना पहली बार ऐसे कि रोज के दिन यहाँ पे आ रही हूँ, और मुझे सब देख के बहुत 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 प्राउड फील हो रहा है। नीलेश बहुत अच्छा सबको हैंडल कर रहा है। हमने पहले देख लिया, आज इनका भी देख लिया।
जी हाँ, वो बिरेन भाई ने सही कहा कि वो अक्सर कहा जाते कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज अ वुमन. तो बिहाइंड अ वेरी सक्सेसफुल बिबेवाड़ी कैप्टन निलेश देर इज अ वेरी सक्सेसफुल प्रेसिडेंट अनीता जी, और उनका अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं अपने बिबेवाड़ी के फॉर्मर प्रेसिडेंट फाउंडर मेंबर प्रवीण जी. बॉल हवा में, कैच का मौका होना चाहिए लेकिन मिस किया. बॉल बाउंड्री की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए और ये चार रन पूरे. कैच का मौका जो तब्दील हुआ चार रनों में. बिरेन भाई, जब पूरा जीएसजी परिवार जो है अलग अलग पुणे के कोने से उठकर आता है और सिर्फ इन चार पांच दिनों में नहीं पूरा महीना जो है तैयारी करता है, एक दूसरे से मिलते हैं प्रैक्टिस मैचेस के माध्यम से, वो एक दूसरे से मुलाकात होती है, एक दूसरे को जानते हैं लोग, खुद की टीम में भी नए नए लोग ऐड होते जाते हैं, तो नए लोगों के साथ बॉन्डिंग होती है, कोने से पहचान होती है, दोस्ती यारी बनती है. और सिर्फ इन चार पांच दिनों में नहीं पूरा महीना जो है तैयारी करता है, एक दूसरे से मिलते हैं, हर साल अलग साल भर साल जो है इसका जो दर्जा है इस टूर्नामेंट का बढ़ते जा रहा है. मैं नहीं कहूंगा सिद्धार्थ, जैन सोशल का जो मोटो है पूरे समाज को साथ में लाना है, समाज के चारों फिरकों को साथ में लाना है, ये कहीं ना कहीं इस तरह के इवेंट्स लेके हम उस ऑब्जेक्टिव को पा सकते हैं. और साथ ही साथ हर साल जिस तरह से इस बढ़ोतरी होते जा रही है, हम ये सोच रहे हैं कि डेफिनेटली हम लोग प्रोग्रेस के रोड पर ही है. आज पुणे के अंदर तकरीबन 19 टीम खेल रही है, 19 टीम आज पुणे जोन के अंदर 32 ग्रुप्स हमारे आज एक्टिव ग्रुप है. तो 19 ग्रुप में सभी ग्रुप के बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स जे प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं. पूरे महाराष्ट्र के अंदर 95 ग्रुप्स है और इतना बड़ा जोन आज पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जोन अगर कोई जोन होगा तो पुणे जोन है. और आज ये पहले दो दिन की मैच होती थी, उसके बाद में तीन दिन की, चार पूरे महाराष्ट्र के अंदर 95 ग्रुप से और इतना बड़ा जोन आज पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जोन. बच्चों के लिए भी एक टूर्नामेंट रखी थी, उसके साथ में आफ्टर 50 और लेडीज, ऐसे तीनों के 38 मैचेस हमने पिछले हफ्ते में स्ट्राइकर ग्राउंड में रखा था. तो पूरे सुबह 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक रात को 38 मैचेस हुई थी. बहुत ही जबरदस्त ऐसे 300 मेंबर ने वहाँ पे भाग लिया था और अभी भी हमारे 19 ग्रुप्स इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं. और ये होने के बाद हमारे ये जो इसमें जीतता है वो महाराष्ट्र रीजन में खेला जाता है. महाराष्ट्र रीजन में हमारे 5 जोन है, 5 जोन से 5 जोन के सभी प्लेयर्स इसमें खेलने को आते हैं. तो उसका नेतृत्व पुणे नेतृत्व, उसके बाद में सोलापुर मालेगांव जोन, उसके बाद में नासिक जोन, कोल्हापुर जोन, पुणे जोन, ऐसे 5 जोन हमारे खेलते हैं. ये होने के बाद हमारा फेडरेशन का भी जो पूरे भारत से सभी प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए, ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप हमारे सब प्लेयर खेलते हैं और ये एक अच्छा मोमेंट जेएसजी के सभी मेंबर के लिए रहता है. तो ये सभी के लिए बहुत एक अच्छा पर्व रहता है कि ये पूरा महीना भर पूरा क्रिकेटमय हो जाता है. सिद्धार्थ, इतना ही कहूँगा, हमारे मेंटर शरद भाई हमेशा कहते थे कि हमारा पुणे जोन जो है ना वो एक रीजन की तरह काम करता है. लेकिन ये बताना चाहूँगा कि ये पर्टिकुलर जो सेलिब्रेशन है ना, पूरे इंडिया में जितने भी रीजन है वो किसी भी रीजन में इतनी टीम नहीं खेलती उतने ही जोन लेवल पे हम खेलते हैं. क्या बात है, और ये बताता है कि जो कमेटी की मेहनत है कितना रंग लाई है. ये इनिंग्स की आखिरी गेंद को भी मैदान के बाहर भेजा है भुवनेश ने, ताबड़तोड़ पारी खेली है, 14 गेंदों में 42 रन्स बना दिए. ये बताता है कि इसी के साथ टीम का स्कोर 8 ओवर के बाद 107 रन लाई है, 108 का लक्ष्य दिया है.
और मेरे साथ जितने भी मेंबर्स इस समय डगआउट में मौजूद है, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ अगले मैच के टॉस के लिए आ जाए प्लीज। डायमंड पीसी, मिड टाउन के कैप्टन आ जाए प्लीज टॉस के लिए। डायमंड के कैप्टन आ जाए प्लीज टॉस के लिए। तो अभी अभी हमने देखी पहली पारी इस मैच की, बिबेवाड़ी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके 107 रन बनाए और 108 का लक्ष्य दिया है रॉयल्स को ये मैच जीतने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले मैच के टॉस की तरफ, जो होने वाला है डायमंड पीसी वर्सेस मिडटाउन। दोनों टीमों के जर्सीज आपको लगभग सेम कलर के नजर आएंगे, लेकिन एक मरून है और एक लाल रंग की जर्सी है। और आपने जैसा कहा था जेएसजी में सब एक है दिलीप भाई, जेएसजी में सब एक है। और जिस तरह से अब जेएसजी के बारे में, जिस तरह से आप जेएसजी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें अभी सुन रहे थे कैमरा के पीछे, अब आप देख सकते हैं वो चेहरे, बीरेन भाई, बिबेवाड़ी की प्रेसिडेंट अनीता जी, प्रवीण जी फॉर्मर प्रेसिडेंट, heads is the call, tails it is Midtown, you win the toss and they choose to bat first. Coin, coin kisne udaya tha, coin kisne udaya tha, kalpak bhai aa jao aur rishikesh bhai, rishikesh bhai जी हाँ, जो जेएसजी के बारे में अच्छी अच्छी इतनी बातें बता रहे थे, ये वही कमिटी मेंबर्स जो आखिरी ओवर में जेएसजी पुणे रीजन महाराष्ट्र रीजन के बारे में बता रहे थे। बिबेवाड़ी के प्रेसिडेंट फाउंडर प्रेसिडेंट बीरेन भाई, हमारे आईडी, हमारे कमिटी मेंबर, बिबेवाड़ी की टीम के मेंबर दिलीप जी चोर बोले। अब जो है दूसरी इनिंग्स इस पारी की जो है वो शुरू होने जा रही है। नया बॉल दिया जाए प्लीज, पीछे से अगर कोई है नया बॉल दे दीजिए। दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है। 107 बनाए बिबेवाड़ी ने, आज उन्होंने जो है उनके बल्लेबाजी के क्रम में थोड़ी फेरबदल की, बेंच स्ट्रेंथ जो है अपनी उनको टेस्ट किया है थोड़ा, क्योंकि नॉकआउट्स में पहुंचने से पहले सभी का थोड़ा थोड़ा ग्राउंड में मैच एक्सपीरियंस आना बहुत ही ज़रूरी है। प्रैक्टिस मैचेस ज़रूर खेले होंगे उन्होंने, लेकिन एक टूर्नामेंट में खेलना और प्रैक्टिस मैच में खेलने में काफ़ी फ़र्क। जी चलिए, दोनों बल्लेबाज रॉयल्स के उतर चुके हैं मैदान में। एक बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है रॉयल्स की टीम और बिबेवाड़ी की टीम, दो शानदार जीत के साथ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में। काफी अटैकिंग फील्ड लगा के रखी है बिबेवाड़ी ने, स्लिप्स लगे हुए हैं, कैचिंग फील्डर्स लगे हुए हैं, माइंडसेट बताता ही है कप्तान का।
ऑलराइट एक अपील, लेकिन अंपायर ने मना किया। तेज गांधी और जीतू भाई बल्लेबाजी करने उतरे हैं रॉयल्स की तरफ से। बहुत ही अच्छे और युवा टैलेंट है तेज। गेंदबाजी उनकी देखी हमने, अच्छा एक्शन था उनका, अच्छी बॉलिंग। अब बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग करने उतरे हैं। अच्छा थ्रो किया उन्होंने बॉलर्स एंड पर, सीधा बॉलर के हाथ में दिया, लेकिन तब तक तेज अपने क्रीज में आ चुके थे। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। 5 रन बने हैं रॉयल्स के। विकेट खोया आखिरी गेंद पर, माफ कीजिए 4 ही रन बने हैं, विकेट खोया है उन्होंने लास्ट गेंद पर। भूवी ने अच्छा कैच पकड़ा, कंप्लीट किया उसे और जीतू भाई को पवेलियन भेज दिया वापस। नए बल्लेबाज विनय बलडोटा। लेग साइड पर खेल दिया इसे, दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं परेश कांकरिया। पहला ओवर कमलेश लोढ़ा का, केवल 4 रन दिए और 1 विकेट लिया उन्होंने। ड्राइव किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो है बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी है गेंद, क्योंकि फुल टॉस थी और अगर इसे एक अच्छा ड्राइव लगा देते तेज तो बाउंड्री जरूर मिलती उन्हें। साइड में लगी, आउटसाइड हाफ ऑफ द बैट में गेंद लगकर पॉइंट की तरफ गई। कवर्स की तरफ जाती तो शायद 4 रन मिलते। एक वाइल्ड स्विंग फिर से अंदरूनी किराना लेकर, बॉल फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच जाते हुए 1 रन और। अब और 100 रन बनाने हैं रॉयल्स को। अच्छा फ्लिक कर दिया, पैरों पर डाली हुई है गेंद, अच्छा फ्लिक और 4 रन प्राप्त किए अपनी टीम के लिए तेज गांधी ने। स्लोअर डिलीवरी ट्राई की थी परेश भाई ने,
टप्पा अच्छा था लेकिन जो है लाइन वो लेग साइड पर थी। प्रीतम संचेती नए गेंदबाज, कड़ी धूप के चलते टोपी पहनकर गेंदबाजी कर रहे हैं वो, और चाहेंगे कि वो बल्लेबाज को टोपी पहना दे। स्लोअर डिलीवरी, बिल्कुल भी पट्टे में नहीं आई, एक ही तरह का शॉट लगा रहे हैं इस समय विनय। ये बड़ा शॉट विनय बलटोटा ने लगाया, अ वंडरफुल सिक्सर। पिछली ओवर में तेज का एक फ्लिक जो था उसमें बेहतरीन चौका लगा था, इस ओवर में विनय बलटोटा ने मिड ऑन बाउंड्री को क्लियर किया 6 रनों के लिए। और एक बढ़िया शॉट और एक शानदार सिक्सर, वो भी सीधा अपने डगआउट में पहुंचाया विनय बलटोटा। सिद्धि ग्रुप के रॉयल्स डगआउट में पहुंचाई गई है गेंद दूसरी बार, कर्टिसी विनय बलटोटा। 3 ओवर पूरे, स्कोर है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर्स 26 for 1 इज JSG रॉयल्स।
ये कैच हो सकता है, ओ नो कैच ड्रॉप्ड, ये कैच पकड़ लेते तो नॉमिनेट हो जाते बेस्ट फील्डिंग एफर्ट ऑफ द डे के लिए, ऑफ द मैच के लिए. यू've dropped the catch, you've dropped the prize. बहुत जोरों से वो बल्ले को घुमा दिया तेज ने, यहाँ पे बॉल धीरे से आई, हल्का सा झटका भी लगा होगा उन्हें. जब बल्लेबाज इतनी तेजी से बल्ला घुमाता है और कोई कनेक्शन नहीं होता उसे, तब थोड़ा सा झटका जरूर लगता है शरीर में. वाइट बॉल का इशारा अंपायर का, तेज गांधी 100 के स्ट्राइक रेट पर खेलते हुए, विनय बलडोटा 200 के स्ट्राइक रेट पर खेलते हुए, और एक वाइड गेंद. लेग साइड पर खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा. जेएसजी रॉयल्स विकेट सब है उनके पास में काफी सारे, अब रन रेट को बढ़ाने की जरूरत. और जैसा इस टूर्नामेंट में पहली बार बल्लेबाजी मिली, वैसे ही पहली बार इस टूर्नामेंट पहली बार गेंदबाजी के लिए उतरे हैं आकाश शाह. और शुरुआत की है उन्होंने तो कैसे विकेट के साथ, पहले ही गेंद पर एज लगा और कीपर के दस्तानों में गेंद. विनय बलडोटा 2 छक्के लगाए उन्होंने अपनी पारी में, पर अब लौट कर जाना होगा उन्हें पवेलियन. बढ़िया गेंदबाजी आकाश शाह द्वारा,
रॉयल जिस समय गाड़ी में बैठे हुए तो है, लेकिन उनकी गाड़ी कहीं जा नहीं रही है, ट्रैफिक में फंसी हुई ऐसा लग रहा है। Another good delivery. एक बढ़िया ओवर अपनी टीम के लिए समाप्त करते हुए आकाश शाह, और इसी के साथ अंपायर के हाथ गोल घूमे, इसका मतलब बैटिंग पावर प्ले। आकाश ने ओवर में सिर्फ एक रन दिया और एक विकेट भी लिया। इसके बाद अगला मैच होने वाला है मिड टाउन वर्सेस डायमंड पीसी। मिड टाउन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया हुआ है, और बल्लेबाज अभी गेंदबाजी की कमान संभाल लेंगे भुवनेश शाह। ही प्लेड एन अटैकिंग इनिंग्स व्हाइल बैटिंग, स्कोर्ड 42 रन्स इन जस्ट अबाउट 14-15 बॉल्स, रिमेन्ड नॉट आउट टिल द एंड, finished the innings by hitting a 6-over long on. This time it's a wonderful shot by Jinesh Singhvi, played over the infield on the offside. The long on fielder able to cut that off before the ball reaches the boundary, so it's only 2 runs for the team. What a shot! Jinesh Singhvi इस बॉल को पहुंचाया है मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। Received the ball on the leg side on his feet. पैरों पर जब आप गेंदबाजी करेंगे पावर प्ले में तो इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा आपको। ये बॉल हवा में, क्या कैच होगी जो नहीं, गैप में गिरी ये गेंद और एक 4 रन प्राप्त करेंगे अपनी टीम के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज, इसके बाद का जो मैच है डायमंड पीसी वर्सेस मिड टाउन, दोनों ही टीम जो है अपने अपने वार्म अप्स कर लीजिए, टीम हडल्स और मीटिंग्स अभी कर लीजिए, अपने टीम मीटिंग और हडल करने के लिए मैच समाप्त होने का इंतजार मत कर लिए। आखिर के 2 ओवर है, इसके बाद यही समय है आपका टीम मीटिंग्स और हडल्स करने का। बॉल हवा में, 3 फील्डर बॉल के नीचे, कौन सा फील्डर कैच लेगा? जी हाँ, आसानी से अच्छा कॉल दिया, कैच को कंप्लीट किया, और 2 चौके खाने के बाद भुवी ने फाइनली एक विकेट लिया। 6 ओवर पूरे, 48 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इज जेएसजी रॉयल्स। दो ओवर का खेल बाकी, थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए। इस खेल का थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए। दूर से देखकर मुझे लग रहा है कि शायद निपुण भंडारी आया है गेंदबाजी करने के लिए।
स्ट्रेट इन द ब्लॉक होल जी, नए बल्लेबाज प्रतीक जैन। अनदर गुड डिलीवरी, आज बल्लेबाजी का मौका नहीं आया निपुण और धीरज भंसाली का, क्योंकि बल्लेबाजी में जो है अपने मिडल ऑर्डर को टेस्ट करना चाहती थी बिबेवाड़ी की टीम कुछ नए खिलाड़ियों के साथ, बल्लेबाजी कितने जा सकती है स्कोर वो चेक करना चाहती थी, क्योंकि निपुण और धीरज भंसाली ने मिलकर जो है पहले दोनों खेल बिबेवाड़ी के लिए निकाले हैं अच्छी तरह से। इसी बीच और एक ड्राइव लगाया लॉन्ग ऑफ के लिए, एक रन और। फुल टॉस गेंद थी लेकिन केवल एक रन मिलेगा यहां पे, इसे एक से ज्यादा होना चाहिए था, गैप्स ढूंढने होंगे रॉयल्स को, पहले से जो है गैप्स देखना होगा और उनको टारगेट करना होगा जब बॉल जो है उनको एक लूज बॉल मिले। इसी बीच क्रॉस बैटेड शॉट एक स्लॉग करना चाहते थे, बीट हुए तेज गांधी। सात ओवर पूरे, लास्ट ओवर कमिंग अप, जीतने के लिए चाहिए बहुत सारे रन। 51 बने हैं अभी तक रॉयल्स के, 108 रनों का लक्ष्य है, 51 बने हैं लास्ट ओवर। टाइम एंड पीसी तैयार हो जाए गेंदबाजी के लिए, अपने टीम को हडल में ले आइए, इंस्ट्रक्शंस जो भी दे रहे हैं अभी दे दीजिए। 108 का टारगेट है, ये किसी अजीब तरीके का स्कूप देखने को मिला हमें जिसपे दो रन प्राप्त किए रॉयल्स ने। फुल टॉस गेंद मिली थी लेकिन सही तरह से घुमा नहीं पाए उसे, केवल एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। इस मैच की आखिरी की कुछ गेंदें फॉर्मेलिटी के तौर पे बची हुई, ये रन आउट बिल्कुल जरूरत नहीं थी इसकी, कहीं से भी रन भी नहीं होता था ये, लेकिन प्रतीक जैन जल्दबाजी करते हुए रन आउट। ये बड़ा शॉट बाउंड्री पार जाएगा बिल्कुल, तेज गांधी बढ़िया हिट बाउंड्री पार 6 रनों के लिए।
रॉयल्स की तरफ से कुछ छक्के लगाए थे विनय बलडोटा ने, अब देखिए क्या बढ़िया शॉट लगाया है तेज गांधी ने, स्ट्रेट बैट हिट ओवर लॉन्ग ऑन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, उन्होंने देखा बॉल काफी दूर गई है बाउंड्री लाइन तक और उनके हाथों से दो रन चुरा लिए। इसी के साथ 8 ओवर पूरे 65 बनाए है रॉयल्स ने, 42 रनों से जीत लिया है बिबेवाड़ी ने इस मैच को। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम बिबेवाड़ी, तीनों मैच जीत कर